नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। ट्रैक्टर ट्रॉली ने साइकिल सवार बच्चों को रौंदा, ट्रॉमा सेंटर ले जाते समय एक की हुई दर्दनाक मौत। कोतवाली क्षेत्र के मल्लावा जनपद हरदोई के गांव मटिया मऊ में शाम 6 बजे फैजल पुत्र सगीर निवासी बिराइज मऊ उम्र 14 वर्ष घर से अपने मौसेरे भाई जैद पुत्र जुनैद निवासी मटिया मऊ उम्र 13 वर्ष के साथ वाटर पानी लेने सीमेंट लेकर ट्रैक्टर ट्रॉली जो हरदोई से मटिया मऊ दुकान आ रहा था। ट्रैक्टर ट्रॉली बच्चों की साइकिल पर चढ़ने से फैजल ट्रैक्टर टायर के नीचे आ गया, टायर से दबकर बुरी तरह जख्मी हो गया। वहीं जैद ठोकर लगने से हाथ पैरों में चोट आई, जबकि ग्रामीणों ने समझा तब तक ट्रैक्टर चालक मौके से ट्रॉली ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। वहीं मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने फैजल को टायर के नीचे से निकाला। दोनों बच्चों को लेकर लखनऊ पहुंचते ही फैजल ने अंतिम सांस ली। जानकारी होने पर यह भी पता चला कि फैजल के घर में बहन की बारात थी, उसी को लेकर दोनों मटिया मऊ वाटर पानी लेने गए थे। रास्ते में बड़ा हादसा होने से फैजल ने लखनऊ में अंतिम सांस ली। वहीं जैद के हाथों में फ्रैक्चर आया है, जो किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज कराया जा रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची चौकी पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली में लोड सीमेंट समेत अपने कब्जे में ले लिया है। बहन की डोली के साथ भाई की अर्थी भी निकलना, ऊपर से बहन की डोली के साथ भाई की अर्थी भी निकलना ऊपर वाले ने लिखा था, वही आज मंजर सामने देखने को आया। घर वालों का रो रोकर बुरा हाल है। चंदकी राम मिश्रा की रिपोर्ट।